गाइस, वेलकम बैक माय चैनल क्लैम विद हंसू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने फेस पर चारकोल फेशियल अपने फेस पर कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप इसका सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लगाने के फायदे क्या है, इसे हमें क्यों अपने फेस पर लगाना चाहिए और इससे हमारे स्किन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स गाइज रिमूव हो जाती है। सबसे पहले मैं बात करूं चारकोल फेशियल, अगर आप बाहर जाते हैं, आपका बाहर आना जाना है, तो फिर आप चारकोल फेशियल जो है अपने फेस पर जरूर अप्लाई करें। मंथली वाइज वन टाइम आपने इसे यूज करना है। इसे यूज करने से आपके फेस पर कोई भी पॉल्यूशन का असर नहीं होगा, पॉल्यूशन फ्री है गाइस। पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे फेस पर डस्ट, रिंकल्स, पिंपल्स या ब्लैक स्पॉट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी निकल जाएगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वो भी ऑयलीपन आपका खत्म हो जाएगा। सेकंड गाइस बात करेंगे, अगर आपके नोज पर ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स है तो चारकोल फेशियल करने से वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। जिन्हें हमें निकलवाना पड़ता है तो वो आपको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आपका इस फेशियल से रिमूव हो जाएगा। गाइस, ये फेशियल जो है चार स्टेप में आप इसे कर सकते हैं। फर्स्ट आपका क्लींजर होगा, सेकंड आपका क्रीम मसाज के लिए होगा, थर्ड आपका स्क्रब होगा एंड फोर्थ आपका फेस पैक होगा। गाइस, फेस पैक लगा के आपने इसे आधे घंटे अपने फेस पर रखना है। रखने के बाद आपने हल्के गर्म पानी से इसे रब करते हुए रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले स्टेप हमारा जो है, सबसे पहले हम अपने फेस पर क्लींजर का यूज करेंगे। अच्छी तरह अपने फेस को क्लीन करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे वाटर से वॉश कर लिया है। फिर उसके बाद इस क्रीम को हम लेंगे और लेने के बाद इसे 10 से 5 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आपने अच्छी तरह जब मसाज हो जाएगा, आपके समय अपने पूरे फेस, नेक और ईयर को भी जरूर लेना है ताकि हमारा फेस बिल्कुल इक्वल लगे। क्लींजर हो जाने के बाद हम इसे अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। उसके बाद गाइज हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, क्रीम लेंगे ताकि हम अच्छी तरह अपने फेस पर मसाज कर सके, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए और हमारी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा फेयर हमें दिखे। तो यहाँ पे मैंने ये मसाज क्रीम ली है, अब इससे मैं अपने फेस पर मसाज करूंगी। मसाज करने का जो टाइम होगा वो भी गाइस हमें अपने फेस पर 5 से 10 मिनट करना है। मैक्सिमम टाइम आपने 10 मिनट मसाज में देने हैं। इसका जो तीनों प्रोसेस है गाइस, तीनों में आपने 10-10 मिनट्स देने हैं। उसके बाद गाइस आपने जो फेस पैक होगा उसमें ज्यादा टाइम आपने देना है। मसाज अभी हमारा कंप्लीट हो गया गाइस, उसके बाद मैं लूंगी स्क्रब। स्क्रब बहुत ही मेन पार्ट है हमारे फेशियल में। स्क्रब करने से हमारे स्किन अंदरूनी अंदर से जाके बिल्कुल क्लीन होती है, हमारे पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, पोर्स क्लीन होते हैं, जिसके बाद जब भी हम कोई फेस पैक अप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छी तरह हमारे फेस पर आता है। तो स्क्रब करते समय आपने सारे स्टेप को फॉलो करने हैं। आपने अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन करना है, उसके बाद अब मैं स्क्रब कर रही हूं, तो इस तरह आपने अपने फेस पर स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद गाइस हम इसे अपने फेस पर छोड़ देंगे और पानी लगा लगा कर अपने अच्छी तरह इसे क्लीन करना है। ये हमारे स्क्रब कंप्लीट हो गया, हमने अपने फेस को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी फेस पैक। ये हमारा फेस पैक ले लिया, इसे कुछ भी नहीं करना, बस आपने चाहे तो आपके पास ब्रश है, ब्रश की हेल्प से या आप फिंगर की हेल्प से इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर ले। अप्लाई करने के बाद आपने इसे अपने फेस से वॉश कर लेना है। कुछ नहीं करना गाइस, सिंपल आपने अपने फेस पर इसे छोड़ देना है। उसके बाद जब आपका सूख जाएगा तो आपने इसे वॉश कर लेना है। जब भी कोई चीज आप अपने फेस पर करते हैं, कुछ भी, चाहे वो आप अपने फेस पर ब्लीच करते हो, फेशियल करते हो या किसी भी तरह का फेस पैक लगाते हैं गाइस, होम रेमेडी को यूज करते हैं, तो आपने ध्यान देना है, जब भी आपने उसे रिमूव करना है तो आपने रिमूव करने के बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज जरूर करना है, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं ओपन होते हैं, मॉइस्चराइज करने से हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है हमारे फेस पर बहुत अच्छा आता है। हमारी स्किन ड्राई नहीं होती, नॉर्मल बनी रहती है, एक नमी जो चाहते हैं हमारे फेस पर बनी रहती है गाइस। तो इस तरह बिल्कुल कम टाइम में आप चारकोल फेशियल कर सकते हैं और बहुत सारे रिजल्ट अपने फेस पर। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, और अगर आपने तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड जाते जाते नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका रिजल्ट आपके फेस पर कैसा आया। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।